हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं बचपन और आप देख रहे हैं मुझे सेल्फ यूनिक। आजकल मैं प्रोफाइल्स पे बड़ा फोकस कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो। आज का जो ये पूरा वीडियो है ये प्रोफाइल बेस्ड है। मींस अगर आपका प्रोफाइल कुछ एक्स वाई जेड है, साइट इंजीनियर है, बीम इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, तो कैसे आपको स्टैंड होना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल्स को लेके, और कैसे ये समझना पड़ेगा कि मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हर किसी प्रोफाइल में, जो भी प्रोफाइल होती है, हर प्रोफाइल्स का अपना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हम वही काम करेंगे, हम किसी के कहने पे कुछ और काम नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। हाँ, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा, पहले सेल का डोमेन के बारे में मैंने बताया था कि भाई डोमेन में बहुत ग्रोथ है। दूसरा मैंने बताया कि साइट इंजीनियरिंग के जॉब्स को कैसे इफेक्टिव कर सकते हो, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि उससे साइट इंजीनियरिंग स्ट्रांग हो। तीसरा आज का जो वीडियो है इसमें हम बता रहे हैं कि प्रोफाइल्स जो होती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग के, अलग अलग जो प्रोफाइल्स है, इसमें कैसे आपको स्टैंड लेना है और कैसे आंख में आंख मिला के आपको सामने वाले को क्लियर करना है कि आई एम अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, मैं कचरे का डिब्बा नहीं हूं, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। हमें पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो, समझते हैं किस तरह से हमें स्टैंड लेना पड़ेगा चीजों को लेकर। कैसे आप सब देखते होंगे इस समय साइट पर आप अगर काम करते होंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि साइट पर जो भी हमको सामने वाला बोलता है हमको सिर्फ वही वही करना होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि कितने ट्रैक्टर ईंट आया उसको गाड़ी नंबर लिखना और ईंट का नंबर लिखना है। दिस इज नॉट अवर प्रोफाइल, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम था वीवीएस अकॉर्डिंग काम कराना। मटेरियल जो आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर देखे कि कितना मटेरियल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे रखना है, ये उसका प्रॉब्लम है। क्यूरिंग करना हमारी प्रोफाइल नहीं है भाई। ठीक है, हमारी प्रोफाइल है कि क्यूरिंग बताना। ठीक है, फुटिंग का काम करवाना हमारा काम नहीं है। हमको बताना है कि फुटिंग करना कितने में, मार्किंग करके हमको दे देना है, दैट्स इट। हमको लेंथ नहीं नापना, लेंथ कोई और नापेगा। हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो डिजाइन है वो डिजाइन में जितना लेंथ दिया हुआ है उतना लेंथ है कि नहीं। नहीं है तो हम फिर से बोलेंगे करो उसको। ठीक है, अभी हाल ही की बात बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट है, पुणे का ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट था। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे फोन किया और वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने बोला ऐसा है कि जो आपने प्लान बनाया है इस प्लान में इतने में इतने का आप कॉलम लगा दो। ठीक है, तो मैं कॉलम का नंबर भी नहीं लूंगा क्योंकि शायद वो वीडियो भी देखेंगे। तो क्या बोलते हैं, वो बोले कि इतने में इतने का कॉलम लगा दो। मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इतने में इतने का स्टील लगा दो, मतलब इतने इतने एमएम का स्टील लगा दो। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सुनो, ये हम डिसाइड करेंगे कि स्टील कितने का लगाना है। तुम कॉन्ट्रेक्टर हो, ठीक है, तो तुम ये मत डिसाइड करो कि स्टील कितने का रिक्वायर्ड है। अब वो अपने हिसाब से समझ सकते हो आप कैसे कि कैसे बच जाए। ठीक है, मैंने कहा मैं डिसाइड करूंगा और मैं जितने एमएम का दूंगा उतने एमएम का ही आपको लगवाना पड़ेगा। मैं इस प्रोजेक्ट के ऑनर को बता भी दूंगा कि देख भाई मैं इतना दिया हूं, ये जो लगा रहे हैं हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो खुद से सेट कर रहे हैं। अगर हम उनकी सुन लेते, ठीक है, वो भाई साहब चाहे ऊटा छा भी रहे होंगे, ठीक है, एनालिसिस का एबीसीडी नहीं पता होगा उनको, लेकिन वो डिसाइड कर रहे हैं कि कॉलम का साइज इतना दे दो, बीम का साइज इतना दे। चलो ठीक है, तुमने एक दो प्रोजेक्ट किए होंगे, 2010 प्रोजेक्ट किए होंगे, अच्छी बात है, बट हम भी तो कुछ किए ना। ठीक है, हमें स्टैंड पकड़ना पड़ेगा। हमने 4 साल पढ़ाई की हुई, 6 साल काम किया हुआ है, क्या मजाक है क्या 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमें स्टैंड होना पड़ेगा कि हमें स्टील कितने का देना और स्टील कितना रिक्वायर्ड है। हमने सॉफ्टवेयर पे चेक किया है, हमने एक्सेल पे चेक किया, हमने मैनुअल पे चेक किया, मतलब आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको स्टैंड लेना है कि हम जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है और आपको वो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही आप सामने वाले की सुनने लगे आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती चली जाएगी। फिर उसको समझ नहीं आएगा, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, हमें हैंडल करेंगे। अब सोचो कि अगर हम सुन लिए होते उसकी कि कॉलम में इतने एवं का ये डाल दो इतने एवं का, मतलब तो मैं तो ड्राफ्टमैन हो गया था। ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस पे अगर मैं ड्राफ्टमैन बनूं, ये कहीं अच्छी बात है क्या? ठीक है, नहीं। हमें बोलना चाहिए कि भाई सीधी सीधी बात है कि हम स्टील हमको कितना सही लगता है, हमको एनालिसिस में कितना डिफ्लेक्शन सही दिखा रहा है, हम उस हिसाब से सेट कर रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली एवरीवन वांट देयर ओन प्रॉफिट, बट हमारा काम ये है कि हम जो कर रहे हैं बेहतरीन करके देंगे सामने वाले को। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप बीम इंजीनियर हो तो आप अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज naukri.com पे जाओ, आपको हर प्रोफाइल पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगे, इंडीड पे भी मिल जाएगा। अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपकी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर लिखी होती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी प्रोफाइल को लेके, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है कि अगर फाइनल ईयर पास आउट होते हो तो आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जस्ट चेक कर लो कि किस जॉब की तैयारी कर रहे हो, पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये डिसाइड कर लो,
कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर नौकरी के जॉब हर जॉब पे मिलता है, नीचे लिख के रहता है कि भाई आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए, आपको एक्सेल बनाना आना चाहिए, आपको लेबर हैंडल करना चाहिए, आपको डायरेक्शन देना आना चाहिए, आपकी हर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी रहती है। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो कुछ मत करो, सिर्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो और उसी तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप मेरे पास आते हो, ठीक है, और मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आपके नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दूंगा कि आपको शो करना आना चाहिए क्लाइंट्स को कि कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एक मीटर कपड़ा कितना होता है, सवा मीटर कितना होता है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एक मीटर का प्राइस इतना हो तो सवा मीटर का प्राइस कितना होगा। जो छोटी छोटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं पहले लिख दे दूंगा। आप इंटरव्यू क्यों आए, ठीक है, और अगर मैं पूछता हूं आपसे कि चाय कैसे बनाते हैं तो मैं ही बेवकूफ हूं ना भाई, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली थी, कपड़ा कैलकुलेट करना है, कपड़ा किसी क्लाइंट को शो करना है, ठीक है, तो हमें उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। सो अच्छा इंटरव्यूअर हमेशा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछकर सिलेक्शन कर देता है। तो मेरा इस वीडियो का सिर्फ एक उद्देश्य था कि प्रोफाइल्स आपकी जो है उस प्रोफाइल पे आपको टिके रहना है और आपको सामने वाले को बताना है कि इस प्रोफाइल में हमारा ये काम होता है और हम ये काम करके दे रहे हैं। जो दूसरा काम करवाने की कोशिश करें तो आप वहां पे खड़े हो जाइए और बताइए कि हमने भी घास नहीं छीला है, हमने भी पढ़ाई की है और हमें भी इस फील्ड का नॉलेज है और इसका जो रिजल्ट है हम बताएंगे वही काम आपको करके देना पड़ेगा। ये तब आप कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सामने वाला दबा देगा और आप फिर आप डाउन हो जाओगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। मेरी कोशिश ये है कि सिविल इंजीनियर्स को कितना ज्यादा ज्यादा यूज रिस्पेक्ट मिल जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे पैकेज मिल जाए, जिससे कि कल को कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस रोमेंट में जाओ ज्यादा पैसा है, मैं उनको क्लियर करना करूंगा कुछ दिन के बाद कि देखो भाई, ठीक है, लोग बोलेंगे ये डोमेन छोड़ के सिविल में चले जाओ अच्छा पैसा कमाओगे, कुछ इस तरीके का करना है और धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।